हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी टाइप वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आप भी नोकिया राउटर यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि एक नोकिया राउटर से आप चार वाईफाई नेटवर्क कैसे लाए, तो मेरा वीडियो पूरा लास्ट जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिनी टाइप्स वीडियो। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिएगा। जो आप स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है उसे सर्च करना है। यूजर नेम में आपको एडमिन GPON लिखना है, GPON कैपिटल में। और आपका जो पासवर्ड है आपने रखा है, जो पासवर्ड आपको रख देना है। मेरा है राधे राधे, मैं राधे राधे रख दे रहा हूँ। और पासवर्ड रख लेने के बाद यहाँ पर लॉगिन लिखा है, लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको नेटवर्क पर जाना है और 2.0GHz वायरलेस है वहाँ पर जाना है। और वहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो आपको SSID 1 पर क्लिक करना है। उसके बाद आप किसी पे भी क्लिक करके यहाँ इनेबल SSID है उसके इनेबल कर देना है और SSID ब्रॉडकास्ट को भी इनेबल कर देना है। यहाँ अपने हिसाब से आप अपना SSID का नेम रख सकते हैं, जैसे मैं मैनी टाइप्स वीडियो लिखा हूँ। इसके बाद आप पासवर्ड देख सकते हैं, आप कुछ भी अपना पासवर्ड रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 से लेकर 1 तक रख दूँगा। बाद यहाँ सेव के बटन में यहाँ क्लिक करके सेव कर दीजिएगा और आपका SSID 2 इनेबल हो गया है। तो अब हम इसे चेक करते हैं ये इनेबल हुआ है या नहीं। तो हम वाईफाई सेटिंग में जाकर देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ वाईफाई सेटिंग में मेनी टाइप्स वीडियो आ गया है। यहाँ पे हम पासवर्ड रखेंगे, जो हमारा पासवर्ड रखा था मैंने, तो मैंने पासवर्ड रख दिया और कनेक्ट भी हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। तो अब देखते हैं YouTube में जाके YouTube चल रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं YouTube ओपन हो चुका है और वीडियो भी आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना।